हेलो भाई लोग, एक बार फिर से हम लौटेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। और आज हम लोग आए हैं, आप लोग देख सकते हो, पटना कैफे में। और यहाँ हम लोग टेस्ट करके बताएंगे आपको फेमस तंदूरी चाय। फेमस तंदूरी चाय। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंजॉय करो। और भी आप लोगों के लिए बहुत सारा फूड ब्लॉग लाएंगे आपके लिए। तो क्या करना चाहिए इन लोगों को? सबसे पहले जो वीडियो में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक करो तो कर देना भाई। कहाँ देखो पटना का, कहाँ कौन जगह का आपको ने वीडियो चाहिए, फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग लाइक करते हो तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग जब अच्छा लगेगा तो भाई हमेशा ब्लॉग आपके लिए इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलो हम लोग चलते हैं। तो भाई लोग, अभी हम लोग का तंदूरी चाय आ चुका है, यहाँ पर देख लो। और अभी हम लोग इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पहले तो हम लोग ये पीने के लिए पहली बार आए हैं, इससे पहले हम लोगों ने तंदूरी चाय नहीं पिया था। बात सही है, तुमने पिया है? नहीं यार, हाँ। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट, रोटी का नाम सुने तंदूरी, देखो हम लोग तंदूरी चिकन खाए हैं, तंदूरी नान खाए हैं, मगर तंदूरी चाय पहली बार टेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और हम बताते हैं कैसा है। कितना टेस्ट करेंगे, इससे पहले भी तुम टेस्ट कर चुके हो यार। मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रहा है यार कि तंदूरी चाय, क्योंकि जब बना रहा था उस टाइम मेरे को लगा जिस तरीके से बुलबुला निकल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब पूछते हैं, एक नंबर भाई। ये तो भैया जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नहीं बताने वाले कैसा लगा। तो लगभग मैं बताता हूँ, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे हम पहली बार आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, और अब हम लोग चाय को एंजॉय करेंगे। मेन ये जो कुल्हड़ में दिया गया है ना भाई, इसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा हो गया है कि नहीं। कुल्हड़ में इसको उबाला भी जाता है, मतलब गर्म कुल्हड़ है। इस कुल्हड़ में नहीं, वहाँ पर कुल्हड़ रखा रहता है उसमें उबाला जाता है। तो अब हम लोग का चाय हो चुका है ख़त्म। बता, आप तो बता दे कैसा लगा टेस्ट। क्या बोलो यार, एकदम मज़ा आ गया, खाली कर दिया पूरा। देख लो, अब हम लोग सोच रहे हैं कि समोसा ट्राई करने के लिए, तो देखते हैं समोसा अगर अवेलेबल हुआ तो वो ट्राई करके आप लोगों को बताएंगे। हाँ तो गाइस देख सकते हो, अभी हम लोग दो समोसा लेके आए हैं, एक चिकन समोसा एक पनीर समोसा है। तो अभी फैज़ को पता नहीं चल रहा था कौन सा समोसा चिकन है कौन सा पनीर है, तो देख सकते हो अभी वो यहाँ पे हम लोग देख लो देख किया। और अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी हम लोग चिकन समोसा टेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है, चलो चलते हैं टेस्ट करते हैं। पहले दिखा दे भाई चिकन समोसा यहाँ पर रखा हुआ है, ये अभी हम लोग टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएँगे। चिकन समोसा और एक पनीर समोसा हम लोगों ने लिया है, और इसका जो प्राइस पड़ा हम लोगों को 35 रुपीज़। और अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। जो चटनी है मुझे बहुत पसंद आया, चटनी क्या थी, सांभर है। सांभर इसमें कहाँ से आएगा बेवकूफ़ इंसान, चटनी है, जो भी है चटनी, दही वाली चटनी है, मुझे पसंद है। आप टेस्ट करके बताओ। और अब हम टेस्ट करेंगे भाई हम तो, अरे वाह देखो चिकन का पीस देखो, मेरे को मिला कहीं भी नजर आया चिकन। काफ़ी मुंह में जाते ही मेल्ट हो गया। और अभी हम लोग देखो भाई सेल्फी ले रहा है यार, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आलू भी है यार, हमको लगा था सिर्फ चिकन रहेगा, चिकन के साथ आलू भी डाल दिया तो इसमें चिकन भी। अब हम लोगों ने टेस्ट किया चिकन, चिकन कैसा लगा मेरे को तो काफ़ी,
गरम ज़्यादा, चिकन निकालना यार, गरम है यार, मुंह में जाते के साथ मेल्ट हो गया ना। तो अब हम लोग चिकन को साइड करते हैं और अभी हम लोग लाते हैं पनीर समोसा। ये रहा पनीर समोसा, इसका प्राइस दो, मतलब दोनों का प्राइस हम लोग को 35 रुपीज़ पड़ा। आप लोग जोड़ लो कि कितना कितना दोनों का पड़ा होगा। पहले हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं। मेरे को इससे ज़्यादा टेस्टी तो चिकन वाला लगा। हाँ, चिकन का बात कुछ और है, चिकन समोसा ज़्यादा टेस्टी था इसके कंपेयर में। हाँ, अरे भाई देख सकते हो पनीर, पनीर का साइज देखो, आखिर ढूंढ डाला पनीर को, पनीर का आप लोग साइज देख लो, कहाँ मतलब कितना छोटा पनीर है यार, और वो भी सिर्फ दो पीस। थोड़ा बड़ा पनीर रहता तो खाने में थोड़ा मज़ा आता। तो अब हम लोग चले एंजॉय करने के लिए। भाई लोग अभी हम लोग तंदूरी चाय पी चुके हैं और पी करके हम लोग निकल चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये तो हम लोगों का हमेशा का डायलॉग है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। और आप लोग सब्सक्राइब भी करते हो भाई, इंस्टा पे हम लोग को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे हम लोग को ज़रूर फॉलो करना। और एक और भाई है, इनका भी हम इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को बता देंगे। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।